और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वॉयलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना कि इन पिक्चरों का, इन वॉयलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़के गंडासी मारी अर्जन वैली में। और कोई कानून कोई लॉ एंड ऑर्डर उसको कोई सजा नहीं जाता है, ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वॉयलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वॉयलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। ये इतिहास को एक गैंगवार में, दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है और कोई कानून कोई लॉ एंड ऑर्डर उसको कोई सजा नहीं जाता है, ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ तक अर्जुन वैली का सवाल है उपसभापति जी, हरि सिंह नलवा जो कमांडर इन चीफ थे सिख फौज के, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका बेटा था अर्जुन सिंह नलवा, जो पाकिस्तान के गुजरा से, वो जब पूरा इंडिया हमारा एक साथ था, और उन्होंने कई मुसलमानों को 1947 में बचाने का काम किया था। इस उच्च कोटि के इतिहास को आप एक गैंगवार में, आप उस गाने को बैकग्राउंड में दिखा के, जो हमारी धार्मिक आस्था को भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करवाता है, गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, वो जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, उन डाडी फोक, एक डाडी फोक होता है जिसके तहत आप एक फोक सॉन्ग के तहत अपनी फौज को जोश पैदा करते हैं। सर, मेरा एक ही सवाल है, 30 सेकंड, माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर, थैंक यू सर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है? ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।